हाय गाइज, गुड आफ्टरनून। मैं जेके और आप लोग देख रहे हैं जेके देसी ब्लॉग। तो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। और जब से एक्सरसाइज स्टार्ट किया तब से तो खुद को बहुत, मतलब अंदर से फिट महसूस हो रहा है। तो गाइज, आज वोमेंस डे है, तो वोमेंस डे के अवसर में मैं एक छोटा सा टॉपिक बोलना चाहूँगा। जो वो चीज़ ना, कॉमन सा टॉपिक है जो कि मेरा लाइफ में भी वो चीज़ घटता है, आप लोग का लाइफ में भी घटता होगा। होगा नहीं, कन्फर्मली वैसे ही होता है, क्योंकि मैं भी मेरा लाइफ में भी ऐसा हुआ है बहुत बार। तो मैं उसी चीज़ को आप लोग का सामने शेयर करना चाहूँगा। तो गाइज, जो टॉपिक आज मैं बोलने वाला हूँ वो आप लोग का साथ में भी हुआ होगा कभी। अब मेरा साथ तो हुआ ही हुआ, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। फिलहाल अभी के डेट में तो मेरा मॉम डैड नहीं है, 3 साल पहले गुजर गए हैं, अभी नहीं है। मतलब बहुत मिस कर रहा हूँ वोमेंस डे में मेरा मॉम डैड को। क्या करूँ, किस्मत में ही नहीं है मेरा मॉम डैड। मेरा मॉम जल्दी गुजर गए, ज़्यादा एज नहीं हुआ था, कम से कम वही 55-60 के अंदर था। उसमें मतलब ब्रेन हेमरेज होने का कारण मेरा मॉम गुजर गए। तो चलिए, मेरा माँ जब थी मेरा साथ में, तो हम बेंगलोर में पहले रहा करते थे। मैं तो जब मैं बेंगलोर से आता था तो बहुत दिन के बाद मैं यहाँ घर, तो मैं दोस्तों के साथ में बहुत सारा घूमता था बाइक में, इधर उधर जाना। मतलब काफ़ी दिन से बाहर रहोगे फिर घर रहोगे तो थोड़ा मन लगता है ना इधर उधर जाने के लिए। मुझे भी लगता है, आप लोग को भी लगता होगा। तो उसी टाइम का बात है, मैं एक बार कहीं राउरकेला के राजगांवपुर, शायद वो परफेक्ट जगह में याद नहीं आ रहा मुझे, तो गया था। तो काफ़ी लेट हो गया, तो मेरा मॉम कॉल की, मतलब हम लोग का लैंग्वेज में बोला कि कहीं जाइ छो बाबू, ए बेजानी आसी छो, बोल के ऐसे बोल रही थी। तो हम बोले कि कहीं बार बार फोन करूँ, मैं छुआटा है ये है बोल के मेरा माँ को मैं डांट दिया था एक बार। तो वो चीज़ मुझे बहुत याद आता है। तो कि हम क्या रिप्लाई करते, मॉम आप क्यों बार बार मुझे कॉल करते हैं? मैं जितना छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ जो आप लोग को बता के मैं जाऊँगा कि कहीं अगर लेट हो जाएगा तो आप लोग मुझे बार बार कॉल करेंगे, परेशान करेंगे, मुझे अच्छा नहीं लगता है, बोल के हम रफली बात कर दिए थे मेरा माँ से। तो आज मुझे याद आ गया, वोमेंस डे का दिन में ही याद आ गया। किसी ने मुझे मैसेज नहीं, अभी तो काफ़ी सबका जो व्हाट्सअप स्टेटस है उसमें देखने को मिला कि आज वोमेंस डे है, तो मुझे याद आ गया अपन को विश कर रहे हैं। तो मुझे भी दुख लगा मुझे कि काश मेरा मॉम होता तो थोड़ा मजाक मस्ती मेरा माँ से भी कर लेता, विश करता, ऐसे सोच रहा था। बट नहीं है तो क्या हुआ, अब सब मेरा फैमिली है और आप लोग का मम्मी क्या मेरा मम्मी नहीं हो सकती है क्या? तो मुझे भी हैप्पी लगता है, अब मेरा तरफ से अपना मम्मी लोग को हैप्पी वोमेंस डे विश कर दीजिएगा मेरा तरफ से। मैं भी आप लोग का भाई हूँ, दादा हूँ और एक्स वाई जेड बहुत सारा हूँ। तो आप लोग का मम्मी भी मेरा मम्मी है, तो छोड़े वो बात को, थोड़े इमोशनल हो जाता हूँ ज़्यादा अगर बात करूँ तो। तो उस चीज़ को फिर टॉपिक में आते हैं, फिर वो ऐसे वो कॉल की फिर हम रियलाइज करते हैं, फिर अभी महसूस मैं कर रहा हूँ, मैं रिसेंटली अभी महसूस कर रहा हूँ कि मेरा मम्मी मुझे क्यों कॉल करता था, मैं क्यों कॉल करती थी मेरा मम्मी मुझे। बस इसलिए कॉल करती थी कि बेटा तुम कहाँ पर हो, जल्दी घर आना, आराम से आना, यही सब चीज़ बोलने के लिए वो मुझे कॉल करती थी। तो हमने उसको गलत तरीक़े से सोच रहा था, उसको एंगल, मतलब गलत एंगल से हम देख रहे थे। मेरा मम्मी जो, मतलब मेरे को जो बोल रही थी कहाँ हो क्या नहीं, ये सारी चीज़ को हम गलत एंगल से देखते थे। तो वो हम लोग का गलती है, क्योंकि हम लोग कहीं बाहर रहें या कहीं भी जाएं तो फैमिली वालों का, अपना स्पेशली माँ जो मॉम होते हैं वो लोग ज़्यादा केयर करते हैं, प्यार हम लोग से वो लोग का लगाव होता है। तो वो लोग को परवाह है हम लोग का, ताकि मेरा बेटा बाहर है, खाना खाया कि नहीं, क्या कर रहे, कैसा हाल में है, क्या मोमेंट में है, वो सारे चीज़ वो लोग जानना चाहते हैं, ताकि वो लोग को भी अच्छा लगे कि हम, कोई बात नहीं मेरा बेटा बाहर गया था फिर आ गया, ऐसा सोच थिंकिंग होता है। तो हम उसको गलत दिशा दे के ना हम ये करते हैं। तो वो ऐसा मत करना प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के। आज वोमेंस डे है तो आप लोग कहीं भी बाहर रहो, किसी के साथ भी रहो, कैसे हाल में भी रहो, अगर घर का फोन आ रहा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर उठाना और वो लोग को बोलना है कि मम या पापा, दीदी, दादा, जो भी एक्सवाइजेड, कि मैं ठीक हूँ या हूँ, इतना बजे तक आ जाऊँगा, बोल के प्लीज़ बोल देना, ताकि घर वालों को जो घबराहट सा होता है वो चीज़ नहीं होगा, वो लोग मतलब रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ कोई बात नहीं मेरा बेटा आएगा, वो ठीक है, खाना उना खा लिया, जो काम के लिए गया था वो काम भी अभी हो गया, बोल के दिमाग, मतलब अपना मन को मना लेंगे और उसमें ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे मम्मी, मतलब फैमिली जो पेरेंट्स होते हैं लोग।
अभी बात करना चाहेंगे ना बहुत सारा लंबा हो जाएगा, तो मैं टॉपिक लंबा करना नहीं चाहूँगा। बस यही चीज़ आप लोग को छोटा सा मेरा जो हुआ था लाइफ में उस चीज़ के बारे बता के आप लोग को एग्जाम्पल देना चाहता था। तो प्लीज़ आप लोग समझ सकते हैं, समझ गए होंगे सब कोई। मम दीदी बहन चाचा चाची सबको और एक बार मेरे तरफ से हैप्पी वुमेंस डे। तो गाइज मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट का ज़रूरत है जेके भाई को। तो बाय बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे।